हरियाणा की 90 विधानसभाओं पर आज सफलतापूर्वक मतदान हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 90 विधानसभाओं पर सभी प्रत्याशियों ने और जनता ने जाकर अपना मत दिया। इसी पूरे मामले को लेकर डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। करनाल पार्लियामेंट में 9 विधानसभाएं, 9 में से लगभग 7 सीटों पर 100% कांग्रेस जीत रही है। यदि एक पार्लियामेंट जो बीजेपी की मजबूत पार्लियामेंट रही है, जहां दो दो सीएम खट्टर जी और वर्तमान सीएम सैनी जी भी जो करनाल से रहे हैं, बल्कि करनाल सीट बीजेपी हार रही है, और मैं आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं, तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है। वहां न्याय की बात हो रही है, वहां मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है, और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है एक तरफ, और जो राहुल जी ने ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे पूरे देश का ध्यान खींचा, इस सरकार को मजबूर किया पीछे हटने के लिए। याद होगा 3 काले कानून, किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न, गरीबों के साथ हुआ जो उत्पीड़न, दलितों के साथ जो उत्पीड़न, बल्कि एक संविधान बचाने का जो मुहिम राहुल जी ने छेड़ी हुई है, सामाजिक न्याय की जो बात राहुल जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, एक तरफ ही तमाम जो वायदे हैं, जो प्रोमिसेज हैं, जो दर्द है वो कांग्रेस उठा रही है। दूसरी तरफ जो हरियाणा पिछड़ गया है, हरियाणा जो 10 साल में बर्बाद कर दिया गया, जो बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, महिला पहलवानों के साथ हो रहे उत्पीड़न में नंबर 1 बन गया, किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न में नंबर 1 बन गया, आज मुझे लग रहा है कांग्रेस की जनता, हरियाणा की जनता ने निर्णय ले लिया कि कांग्रेस वहां आ रही है और भाजपा बुरी तरह से हार रही है। और आपके पत्रकार बंधुओं के बीच में सवाल बार बार घूम रहा है, स्वाभाविक आप बताना चाहते, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कई बार अपना ये रोक स्पष्ट कर चुकी है। कांग्रेस के अंदर एक प्रक्रिया है, चुनाव पूर्ण होने के बाद, बहुमत आने के बाद एक प्रक्रिया, वो प्रक्रिया तमाम लोग बैठ के बात करते हैं, जिसमें हाईकमान सबकी राय लेती है, विधायक दल के लोग अपना नेता चुनते हैं, तो ये मुझे लगता है ये समय जब परिणाम आएंगे उसके बाद की प्रक्रिया है, तो उस पर आज चर्चा करना स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस के अंदर जो परंपरा है उस परंपरा का पालन किया जाएगा, लेकिन जो हरियाणा की जो मैं आपको थोड़ी स्थिति बता दूं, ये हटके है, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा मोटिवेटेड इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे कि अपनी हार को बचाने के लिए रणनीति के तहत इन लोगों ने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन आपने देखा होगा चुनाव के दौरान बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में बैठ गए। अभी आपने देखा अशोक तंवर साहब खुद राहुल जी की उस यात्रा से प्रभावित होकर, सामाजिक न्याय से प्रभावित होकर के, संविधान बचाओ वाली मुहिम से प्रभावित होकर के, और या ये मैं कहूँ जो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, जो महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ, जो हरियाणा की जो पहचान थी उसको जो इन्होंने नष्ट किया, उससे प्रभावित होकर राहुल जी के साथ उन्होंने दोबारा कांग्रेस का हाथ थामा है। वैसे बहुत सारे साथी हैं जो कांग्रेस में जुड़े हैं, तो मुझे लगता है निर्दलीय उम्मीदवारी लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लोकतंत्र में सब लड़ते, लेकिन बीजेपी ने जिस अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कुछ उम्मीदवारों को समर्थन दिया, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, सच्चाई है वो कांग्रेस की वोट काटने के रूप में वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। मेरा मानना तो ये, मैं क्योंकि ग्राउंड पे था, मैं करनाल में 10-15 दिन रहा हूं, मैं घूमा हूं, और वो सीटें भाजपा हार रही है जो बीजेपी बड़े दावे के साथ कहती कि हमारा गढ़ है। और इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया करनाल शहर, जहां से खट्टर जी सीएम रहे, सैनी साहब ने अपनी सीट बदल ली, तो अभी तो सैनी जी करनाल से भी और लाडवा से भी दो जगह से एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, तो लाडवा में भी वो चुनाव हार रहे हैं। तो मुझे तो पूरी तरह से कांग्रेस हार रही है और भाजपा जा रही है, ये हरियाणा ने मन बना लिया है। हरियाणा की उस समय की सरकार के कामों को लोग याद कर रहे हैं, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को याद कर रहे हैं, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी का पार्लियामेंट चुनाव में किया गया एक वादा, और देश की आवाम के सामने इस बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करना, संविधान को कमजोर करने की कोशिश, दलितों के साथ उत्पीड़न, तमाम बातों को लेकर के राहुल जी गए, और मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोगों ने उस पर अपना एक समर्थन दिखाया है जो मुझे अब तक लग रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुए मतदान को लेकर और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर डीपीसीसी पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अपना पक्ष रखते हुए तमाम बड़ी बातें कही। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।